हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में इंडिया स्क्रीन के बारे में बात करने वाले हैं कि इंडिया स्क्रीन कैसे बनाए, वो भी पिक्सल में। तो पिक्सल में किस तरह से आप इंडिया स्क्रीन बना सकते हैं, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को कम्प्लीट वॉच करना और चैनल पर अगर पहली बार, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे इसी तरह के रिलेटेड वीडियो मिलता है और मिलता रहेगा। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चले गए, जा गए फोन के स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको पिक्सल एप एप्लीकेशन को ओपन करना, अगर आपके पास नहीं है तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम पिक्सल एप एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के पेज ओपन होगा। उसके बाद आप सबसे पहले आपको जो न्यू टेक्स्ट दिख रहा है इसको डिलीट करना है, तो डिलीट वाला ऑप्शन पर टाइप करना है। उसके बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको इसको YouTube थंबनेल साइज पे करना होगा। थ्री डॉट पे जाना है। थ्री डॉट पे जाने के बाद आपको इमेज साइज पे जाना है, कस्टम पे जाना है। कस्टम पे जाने के बाद आपको YouTube थंबनेल वाला ऑप्शन पर टैप करके आपको ओके कर देना है। तो सबसे पहले इसका हम कलर चेंज करते हैं। कलर चेंज करने के लिए आपको फोर्थ वाला ऑप्शन पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपको कलर वाला ऑप्शन पर टैप करना है और यहाँ पे ब्लैक रख लेना है आपको। उसके बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको जाना है प्लस वाला आइकन पे। प्लस वाला आइकन पे जाने के बाद आपको शेप वाला ऑप्शन पर टाइप करना है और आपको यहाँ पे एक शेप ले लेना है कुछ इस तरह से। उसके बाद आपको जाना नीचे की ओर जाना है। नीचे की ओर जाने के बाद आपको इसका कैपेसिटी एकदम जीरो कर देना है। जीरो करने के बाद आपको नीचे की ओर जाना है। नीचे की ओर जाने के बाद स्ट्रोक वाइड में आपको थोड़ा बढ़ा देना है और इसका कलर आपको रेड कर देना है कुछ इस तरह से। उसके बाद आपको ओके कर देना है। उसके बाद फिर से आपको एक शेप कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के लिए आपको शेप वाला ऑप्शन पर टाइप करना है और यहाँ पे देखिए कॉपी का ऑप्शन है तो आपको कॉपी पर टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद इसको थोड़ा छोटा कर देना है कुछ इस तरह से आपको। आपको फिर से एक कॉपी कर लेना है उसी तरह। उसके बाद आपको लेयर वाला ऑप्शन पे जाना है और ये सबको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद आपको फिर से एक शेप लेना है। फिर से शेप वाला ऑप्शन पे जाना है और इस बार आपको सर्कल लेना है और इसका कैपेसिटी एकदम जीरो कर देना है और स्ट्रोक बाइथ इसका 7 या 8 रखना है आपको। इसका कलर आप अपने हिसाब से रख सकते हो, अगर आप रेड रखना चाहते हो तो रेड रख सकते हो, अगर आप ग्रीन रखना चाहते हो तो ग्रीन रख सकते हो। चलिए हम ग्रीन रख लेते हैं। उसके बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसको थोड़ा छोटा कर देना है कुछ इस तरह से। इसके साइड में आपको लाके रख देना है कुछ इस तरह से। बात चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं क्लिक हेयर टू सब्सक्राइब, यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके लिए आपको टेक्स्ट वाला ऑप्शन पर टाइप करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लिख लिए। उसके बाद आपको ओके कर देना है और कुछ इस तरह से आपको इसको एडजस्ट कर देना है छोटा करके कुछ। अगर आप इसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हो तो आपको फॉन्ट वाला ऑप्शन पे जाना है। कोई भी आप यहाँ पे एक फॉन्ट ले लीजिए। उसके बाद आपको ओके कर देना है। उसके बाद अगर आप इसका कलर रखना चाहते हो तो आपको फिर से कलर वाला ऑप्शन पे जाना है। जो भी कलर रखना चाहते हो आप रख सकते हो। उसके बाद आपको ओके कर देना है। उसके बाद चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो देख सकते हैं यहाँ पे थैंक्स फॉर वॉचिंग लिखें। उसके बाद इसको भी थोड़ा एडजस्ट कर लेना है छोटा करके कुछ इस तरह से। उसके बाद इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं। इसका येलो रख लेते हैं।
तो देख सकते गाइज आपको इसी तरह अपना इंड स्क्रीन बनाना है पिक्सल लैब। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में करके जरूर बताना। तो जय हिंद।